गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी सेफ एंड फाइन एट योर होम. स्टूडेंट, इन आवर अर्लियर वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जस्ट लाइक रेवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड द 1848, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग एंड द हंगर, हार्डशिप, पॉपुलेशन रिवोल्ट, एंड ऑल्सो डिस्कस द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स लाइक 1848. नाउ टूडे वी विल डिस्कस द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड द इटली. एंड बेटा, हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी और इटली जो थे उस यूरोप में, उस टाइम पर उनका यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, वो छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे. बट जो कंजर्वेटिज्म थे, वो लोग ये चाहते थे कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हो जाए. तो किस तरीके से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ये आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे. जर्मनी में क्या एक आर्मी जो होती है वो नेशन का आर्किटेक्ट हो सकती है, यानी नेशन को बनाने वाली हो सकती है? हम लोगों ने बेटा ये पढ़ा था कि 1848 में जो यूरोप था, यूरोप में नेशनलिज्म था वो मूव अवे होने लगा था फ्रॉम द किससे, डेमोक्रेसी, फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. जो कि रेवोल्यूशन और डेमोक्रेसी जो उसकी एसोसिएशन थी, उनसे वो अलग होने लगा था. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स फ्रॉम वर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड द अचीविंग पोलिटिकल डोमेन ओवर यूरोप. और जो स्टेट की पावर को बढ़ाने के लिए, पूरे यूरोप में पॉलिटिकल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, पॉलिटिकल पावर पाने के लिए, जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने जो नेशनलिज्म की जो उनके सेंटीमेंट्स जो थे, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स जो थे, उनका यूज़ किया. और ये हम किस उसको प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं कि जिससे जर्मनी और इटली दोनों का दोनों एकीकृत होकर एक नेशन स्टेट बने, यूनिफाइड होकर उनको स्टेट बनाया गया. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेटा कि जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनमें नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, उनके में बहुत फैली हुई थी उन लोगों में. और तो उन्होंने क्या किया था, 1814 में ट्राई किया था कि जर्मनी को यूनाइट, डिफरेंट उसके जो छोटे छोटे डिफरेंट अलग अलग जो रीज़न हैं, उन सभी को क्या मिलाकर एक जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसके द्वारा उनको यूनिफाइड करने की कोशिश की गई थी, जिसे जो जर्मनी की जो फोर्स थी, ठीक है, जो जर्मनी की आर्मी थी और जो वहाँ के मोनार्क थे, उन लोगों ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया था, इसको मना कर दिया था. ओके, देन उसके बाद वहाँ के जो प्रूशिया के जो लैंड ऑनर्स जो थे, जिनको जंकर कहा जाता है, उन लोगों ने भी इनका सपोर्ट किया था फ्रॉम देन ऑन, तब से, ठीक है. उसके बाद से ही जो प्रशा ने एक नेशन यूनिफिकेशन की, जो प्रशा ने नेशन यूनिफिकेशन का जो मोमेंट था, उसकी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली, उस मोमेंट को अपने हाथ में संभाल लिया. और प्रशा के जो मंत्री थे, जो उनके मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, जिनका नेम था ओटोमन बिस्मार्क, उनको इस प्रोसेस का क्या माना जाता है, उनको इसका जनक माना जाता है, आर्किटेक्ट माना जाता है, जिसने प्रशा की जो आर्मी थी और जो उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी मदद ली, ठीक है. नेक्स्ट जो सेवन ईयर में 3 वॉर लड़े गए विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस. इनके साथ 3 युद्ध में प्रशा को जीत हुई और लास्ट में जो ये यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था, ये पूरा हो गया, ठीक है. यानी 7 ईयर तक प्रशा था और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इनके साथ जो है युद्ध लड़ा गया और लास्ट में प्रशा को जो है उसको जीत मिल गई. और 18 जनवरी 1871 में वर्सार्थ में एक बहुत बड़ा सेरेमनी हुई, और सेरेमनी में जो प्रशा के राजा थे विलियम फर्स्ट को जर्मनी का क्या कर दिया गया, उनको उनका एम्पीरियर जो है उसको घोषित कर दिया गया. ऑन द बेटली कोल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी 1871 की सुबह, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, वहाँ के जर्मन जो स्टेट थे, जर्मन स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंट प्रिंस थे, और उसके बाद आर्मी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और जो
सबसे प्रमुख जिनको सबसे प्रमुख जो थे इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर जो थे ओटोमन बिस्मार्क, उनके साथ साथ प्रशा के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स जो भी थे वो सारे वर्साइल के एक पैलेस में बहुत ठंडे से जो वहाँ का हॉल ऑफ द मिरर मिरर इन द प्लेस पैलेस और यानी हॉल ऑफ द मिरर्स में जो कि शीश महल जिसको हम ये कहेंगे कि वहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी असेंबली हुई। देन प्रशा टू प्रोक्लेम न्यू जर्मनी एम्पायर हेडेड बाय द कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ द प्रशा। और प्रशा के सभा जो असेंबली थी असेंबली ने प्रशा के काइजर विलियम फर्स्ट के जो उनके नेतृत्व में एक नए जर्मन नेशन की घोषणा कर दी। यानी अब वहाँ पर किसको जो बागडोर किसके हाथ में आ गए, विलियम फर्स्ट के, काइजर विलियम फर्स्ट के। ओके, देन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी हैड डिमोनस्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। अब उसके बाद जर्मनी में जो नेशन स्टेट का काम था वो प्रशा स्टेट की जो पावर थी उसके उसका एक मार्क बन गया था। ठीक है, उसको पावर को बताने वाला बन गया था कि उसकी पावर कितनी है। एक नए नेशन ने जर्मनी की, अब ये जो नया नेशन बना था, द न्यू स्टेट प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। नए नेशन ने जर्मनी की करेंसी, वहाँ की बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, इन सभी को बहुत ज़्यादा इनके मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया। और प्रशा ने जो प्रशियन मेजर्स द प्रैक्टिस ऑफन बिकम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। प्रशा ने जो भी कदम उठाए और उसने जितने भी काम किए, जितने भी मेजर्स प्रशियन मेजर्स जो थे या जो प्रैक्टिस जो भी उसने कदम उठाए थे, उसकी जो प्रैक्टिस की थी वो बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गई थी। अब वो एक मॉडल के रूप में वहाँ पर स्थापित हो चुका था। देन है इटली यूनिफिकेशन। अब तो बेटा आप हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। मींस 1848 में सब शुरुआत हम इसकी कहाँ से मान सकते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन में, जब 1848 में जब कंजर्वेटिव्स ने अपनी डिमांड रखी 381 जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ, बट उनकी डिमांड्स को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। देन उसके बाद जो प्रशा थे, प्रशा ने इसकी बागडोर संभाली और 37 ईयर्स तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ इन्होंने वॉर किया। देन उसके बाद प्रशिया की जो जीत हुई और जो वस्तार्थ में एक वहाँ पर जो बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था, तो वहाँ पर विलियम प्रथम फर्स्ट जो थे उसको जर्मनी का राजा बना दिया गया था। तो यहाँ पर यूनिफिकेशन का हम ये प्रोसीजर पूरा होता है। ठीक है, इस तरीके से उसका यूनिफिकेशन हुआ। बाद में प्रशा ने काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का जो है इम्पीरियल घोषित कर दिया। नेक्स्ट इटली, जो इटली थी जर्मनी की तरह इटली भी बहुत लंबे हिस्ट्री है उसकी। इटली टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की उसकी, यानी पॉलिटिकली रूप से वो अलग अलग खंडों में जो बटी हुई थी। ठीक है, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इटली वर सेकंड अवर सर्वल डायनेस्टीज स्टेट एज वेल एज द मल्टी नेशन। हैब्सबर्ग एम्पायर जो इटली थी उस पर बहुत सारे जो डायनेस्टी, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग जो एम्पीरियर था वो उसमें बिखरा हुआ था। 19th सेंचुरी के मिडिल की अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी के मिड में इटली क्या था, 7 स्टेट में बटा हुआ था और जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में जो इटली के जो इटालियन प्रिंसली हाउस बने हुए थे। ठीक है, उनका हाउसेस का जो था शासन था, सिर्फ एक की बात करते हैं हम, एक ही सार्डिनिया पिडमोंट में सिर्फ इटालियन जो
प्रिंसली हाउसेस थे उनका शासन था. नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और जिसका जो नॉर्थ वाला भाग था वो किस लिए ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था. मिडल वाले जो इटली का मिडल जो सेंटर वाला जो पार्ट था रूल्ड बाय द पॉप, उसके ऊपर पोप्स जो होते थे पोप का शासन होता था. और जो अगर हम साउथ रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बुर्बोन किंग ऑफ स्पेन, जो साउथ वाला एरिया था वो बुर्बोन किंग के कंट्रोल में था. देन उसके बाद इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्यूड वन कॉमन फ्रॉम स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन. यानी जो इटालियन जो लैंग्वेज थी इटालियन लैंग्वेज ने भी एक जैसा रूप नहीं लिया हुआ था. वो कहता अभी तक उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से वो मौजूद थी. यानी हर एक एरिया में उसकी लैंग्वेज जो थी वो अलग थी. 1830 सेंचुरी की बात करें तो उसमें ज्यूसेप्पे मेज़िनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक. 1830 में ज्यूसेप्पे मेज़िनी ने जितने भी इटालियन जो इटालियन रिपब्लिक्स थे उनके लिए एक बहुत ही विचार करने के बाद एक प्रोग्राम जो था उस बनाया. उसको प्रोग्राम बनाने उसको सबके सामने पेश करने की उसने कोशिश की. उसने अपने जो ज्यूसेप्पे थे मेज़िनी जो थे ही हैड आल्सो फॉर्मेड सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर डिसमिनेशन ऑफ द हिज गोल. और उन्होंने यंग इटली, ठीक है, यानी जो ज्यूसेप्पे मेज़िनी थे उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली, जिसके नाम से क्या था यंग इटली, फॉर द डिसमिनेशन ऑफ द गोल. अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने उद्देश्य का प्रचार करने के लिए उन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई थी यंग इटली. 1831 और 1848 में जो रेवोल्यूशनरी जो रेवोल्यूशंस हुए थे वो क्या हो गए थे हम उनकी फेल होने के बाद से जो वॉर हुए थे वॉर के द्वारा जितने भी इटली स्टेट थे उनको जोड़ने की अब जिम्मेदारी किसके पास आ गई थी सार्डिनिया पिडमोंट के जो वहाँ के राजा थे जो रूलर थे कौन थे किंग विक्टर एमानुअल सेकंड, ठीक है, अब उनके पास आ गई थी. मीन्स हम ये कहें कि जब 1831 या 48 में जितने भी रिवोल्ट हुए थे रेवोल्यूशन जो हुई थी जब वो फेल हो गए थे तो सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा किंग विक्टर एमानुअल थे उनके पास इटली की यूनिफिकेशन की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी. अब इन द आई ऑफ द रूलिंग एलाइट्स दिस रीजन आ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देन द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पोलिटिकल डोमिनेंस. अब इस क्षेत्र के जितने के जो शासक थे वो क्या थे वो अभी जो रूलिंग क्लास जो थी वो अभी भी उनकी नज़रों में जो यूनिफिकेशन है इटली और उसके जितना भी उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट था या पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करें उसकी अभी भी वो क्या चाहते थे उनकी संभावनाओं को अभी भी उत्पन्न करना चाहते थे. देन चीफ मिनिस्टर कॉर्वर जो चीफ मिनिस्टर थे कापूर जो थे कापूर लीड मूवमेंट टू यूनिफाइड रीजन ऑफ इटली वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट्स. जो कापूर जो थे उन्होंने जो इटली के यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट था उसकी बागडोर जब अपने हाथ में उनके हाथ में थी करने मतलब उनका नेतृत्व वही कर रहे थे तो वो तो ना तो वो क्रांतिकारी था और मीन्स रेवोल्यूशनरी था और ना ही वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी पर विश्वास रखने वाला था. लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेम्बर ऑफ इटालियन अलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. अब कहते हैं बाकी जितने भी जो वेल्दी लोग होते थे यानी अमीर जो लोग थे या जो जो एजुकेटेड लोग थे उन्हीं की तरह जो इटालियन लैंग्वेज की अपेक्षा वो फ्रेंच जो है बहुत अच्छे से उसका यूज़ करते थे. फ्रेंच से फ्रांस से की बात करें तो हम थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस एनर्जी इंजीनियर्ड बाय केवर सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859. फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक बहुत ही जिसको हम ये कहें कि चालाक जो थी उनकी चालाक कूटनीति जो टेरिटरी थी
डिप्लोमेसी जो उनकी टेरिटरी थी, जिसमें कि जिसके पीछे किसका काबूर का हाथ था, उससे सार्डिनिया पिडमोंट जो था वो 1859 में ऑस्ट्रिया जो है उससे जीत गया था। मीन्स हम ये कहें कि सार्डिनिया पिडमोंट के फ्रांस के सार्डिनिया पिडमोंट की एक बहुत ही ज़्यादा उनकी डिप्लोमेसी जो टेरिटरी हुई जिसके पीछे काबूर का हाथ था यानी फ्रांस का, और सार्डिनिया पिडमोंट की वजह से ऑस्ट्रिया को उन्होंने 1859 में हरा दिया। और अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रॉप लार्ज नंबर ऑफ आर्मेड वॉलेंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जुसेपी मेज़नी ज्वाइंड द फ्रे। और इसके बाद बहुत सारे जितने भी सैनिक थे आर्मी के अलावा जो जुसेपी गैरिबाल्डी थे उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा लोगों ने जो उनके जो आर्म्ड जो ट्रॉप्स जो थी स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, बहुत सारे सशस्त्र अपने आप से बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और 1860 में वे साउथ इटली और दो सिसिलियो के जो स्टेट थे उनमें वो एंटर कर गए स्पेन वहाँ से जो था, और जो स्पेन के राजा थे उनको हटाने के लिए उन्होंने कुछ जो लोकल पीजेंट्स जो थे उनका उनको समर्थन पाने में वो सक्सेसफुल रहे। मतलब उनका भी उनको समर्थन मिल गया, वो भी उनके साथ हो गए। देन 1861 में जो इमैनुअल सेकंड थे उन्होंने एक घोषणा की कि इटली अब यूनिफाइड हो चुकी है। ठीक है, यूनिफाइड इटली की उन्होंने ये घोषणा कर दी कि इटली अब का यूनिफिकेशन हो चुका है। हावेवर मच ऑफ इटालियन पॉपुलेशन अमोंग वूम रेट्स ऑफ लिटरेसी वर हाई। लेकिन अब क्या था, जो इटली के बहुत ज़्यादा इटली के जो पॉपुलेशन थी जिनमें से ज़्यादातर लोग क्या थे, इलिटरेट थे। ठीक है, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अभी भी जो लिबरल जो थे रिमेन ब्लिसफ्री अनवेयर ऑफ लिबरल्स नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। अभी भी जो लिबरल जो थे वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी उससे वो बिल्कुल पूरी तरह से अनजान थे। साउथ इटली में जिन जो साधारण किसान थे पीजेंट मार्क्स हु हैड सपोर्टेड गरिबाल्डी, जिन्होंने गरिबाल्डी का सपोर्ट किया था, हैड नेवर हियर्ड इटालिया, उन्होंने इटालिया जो था उसके बारे में कभी भी नहीं सुना था, और वो ये मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। उनका ये मानना था कि ला टालिया जो है वो विक्टर जो इमैनुअल सेकंड जिनकी हम बात कर रहे हैं वो उनकी वाइफ थी। नेक्स्ट है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के स्ट्रेंज केस की बात करें तो यानी अभी हमने ब्रिटेन और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा है, अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं। द मॉडल ऑफ नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड, यानी कुछ विद्वानों का ये तर्क है कि जो राष्ट्र नेशन और जो नेशन स्टेट है उनका मॉडल या उनका जो आदर्श है, मॉडल या आदर्श कौन है, ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, इस ग्रेट ब्रिटेन इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। मीन्स जो ब्रिटेन में नेशन स्टेट का जो नेशन स्टेट जो बना है वो अचानक हुई, कोई भी अचानक जो रेवोल्यूशन हुई या जो उथल पुथल अपहेवल जो हो गया उसका वो रिज़ल्ट नहीं है। इट वाज द रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, और ये क्या है, एक बहुत लंबा चलने वाली जो है प्रोसेस है। इट वाज द रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड ऑफ 18th century के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। जो द प्रीमरली आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेंट द ब्रिटिश इज साइल वर एंथिक वन सच एज इंग्लिश वेल्स स्कॉट एंड इरिश। यानी इससे पहला था जो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन आइलैंड में जो रहने वाले जो लोग थे उनको सिर्फ किस नाम से पहचाना जाता था, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश वेल्स स्कॉट या इरिश।
ठीक है, इस तरीके से उनको उनकी एथेंसिक जो थी उनकी पहचान थी, इस जाति से उनको जाना जाता था। इन सभी जितने भी एथेंस ग्रुप जो थे हैड वन कल्चर, सबका अपना वन खुद का कल्चर होता था, पॉलिटिकल कंडीशन ट्रेडिशंस होते थे, बट एज इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। अब क्या था, लेकिन ये जो इंग्लिश नेशन जो बना था, इस इंग्लिश नेशन की वेल्थ, इसका जो वेल्थ थी, इम्पोर्टेंस जो थी या जो पावर थी, वो पावर जो थी उसमें अब जैसे ही पावर जो थी वो जैसे ही इम्पोर्टेंस और पावर वो एक्सटेंड होने लगी, इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, यानी उसका प्रभाव जो है अब वो बढ़ने लगा था। ठीक है, एक बहुत लंबे से टकराव के बाद, बहुत लंबा सा जो आपस में इनका युद्ध चला था, उसके बाद जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसको क्या कर दिया गया था, इंग्लिश पार्लियामेंट को 1688 में वहाँ के मोनार्क से वहाँ की उनकी जितनी भी पावर थी वो छीन लगी थी। यानी एक बहुत लंबा जो इनका वॉर चली गया, जिसको हम कहें कॉन्फ्लिक्ट जो चला, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1868 में वहाँ के मोनार्क से उनकी ताकत छीन ली थी, उतनी उनकी जितनी भी पावर थी उसको छीन लिया था। और ये जो पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट के ये जो पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट के द्वारा ही एक नेशन स्टेट का बनाया गया था, एक नेशन स्टेट बनाया गया था। ओके, देन ये जो स्टेट बना था जिसके इसके सेंटर में कौन था, बिल्कुल विद इंग्लैंड एज इट सेंटर, इंग्लैंड जो था इसके सेंटर में था, केम टू बी फॉरबिड, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ चुका था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जो यूनियन एक्ट था 1707, किस किस के बीच में हुआ था, जो इंग्लैंड और स्कॉट के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन जो हुआ था वो 1707 में हुआ था, उससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को बनाया गया, यानी उस एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना। इसका मतलब ये था कि मीन्ट इट एफर्ट डेट द इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, मतलब इसका मतलब ये था कि जो इंग्लैंड है वो स्कॉटलैंड पर अपना अधिकार जो है वो जमा पाए, उसको अपने अधिकार में अपनी पावर जो है ये सब दिखा पाए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज एनफोर्स डोमिनेंट बाय द बाय इट्स इंग्लिश मेंबर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इंग्लिश मेंबर्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेशन था, बहुत ज़्यादा उनका प्रभुत्व था, लेकिन जो यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे इंग्लिश लोग ही थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट स्कॉटलैंड डिस्ट्रक्टिव कल्चर एंड पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, यानी जो एक जो ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिश आइडेंटिफिकेशन थी उसके जो आइडेंटिफिकेशन थी उसका जो प्रोग्रेस हुई, उसकी जो ग्रोथ हुई, उसका मींस ये है कि स्कॉटलैंड की एक अपनी खुद की अलग कल्चर और उनकी पॉलिटिकल जो उनकी इंस्टीट्यूशन है उसको एक बहुत ही प्लानिंग तरीके से उसको दबाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से उसको दबा दिया गया था। जितने भी स्कॉटिश और हाइलैंड्स के जो निवासी थे, जो लोग थे, जिन कैथलिक उनके जो कैथलिक डायनेस्टी जो थी, कैथलिक वो वहाँ पर जो कैथलिक कुल में कुल ने जब भी अपनी आज़ादी को बताने का कोशिश की तो उन्हें ज़बरदस्ती उनको दबा दिया गया, उनको दबाने की कोशिश की गई थी। मीन्स जब भी जो स्कॉटिश हाइलैंड्स के जो लोग थे, जब भी उन्होंने अपने आप को अपनी आज़ादी को व्यक्त करने की कोशिश की तो उन्हें ज़बरदस्ती उनको दबाने की कोशिश की कर दी गई, किसके द्वारा, जितने भी कैथोलिक जो लोग थे उन्होंने स्कॉटिश हाइलैंड के जो लोग थे उन
उनको स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी जो उनकी लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज बोलने या अपनी जो नेशन उनकी जो पोशाक जो थी उनकी जो वो अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपने पहनावा था उनका जो नेशनल ड्रेस थी उसको पहनने की पूरी तरीके से मनाही थी। यानी वो अपनी नेशनल ड्रेस को नहीं पहन सकते थे और ना ही वो अपनी नेशनल लैंग्वेज बोल सकते थे। कौन सी थी उनकी लैंग्वेज? गॉलिक। एंड अ लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट देयर होमलैंड, और बहुत सारे लोगों को अपना खुद का होमलैंड अपना खुद का वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। देन आयरलैंड सफर्ड, जो आयरलैंड था आयरलैंड में भी ऐसा ही कुछ सिमिलरली चीज़ें देखने को मिली। इट वाज द कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जो ये एक ऐसी कंट्री थी जो पूरी तरीके से डिवाइड था कैथोलिक और जो प्रोटेस्ट जो गुट थे उनमें बटा हुआ था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्ट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री। जो इंग्लिश थे जो अंग्रेज जो थे अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म जो प्रोटेस्ट धर्म मानने वालों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो कैथोलिक देश पर अपना खुद का जो डोमिनेंट का अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटिश के प्रभाव के विरुद्ध यानी जो ब्रिटिश जो लोग थे उनके प्रभाव के विरुद्ध जो कैथोलिक विद्रोह थे कैथोलिक जो विद्रोह को बहुत ही बुरी तरीके से उनको कुचल दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे मतलब जो कैथोलिक विद्रोह कर रहे थे रिवोल्ट कर रहे थे उनको दबा दिया गया। देन उसके बाद जो वोल्फटोन थे वोल्फटोन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की आयरिशमैन के जो आयरिशमैन में जो विद्रोह हुए थे उसके बाद 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया और एक ब्रिटिश नेशन का जो है उसको ब्रिटिश नेशन बना दिया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्मड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। यानी एक नए ब्रिटिश नेशन का निर्माण किया गया जिस पर इंग्लिश कल्चर जो था उसका बहुत ज़्यादा जो प्रचार प्रसार जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था उसका प्रचार प्रसार किया गया था। नाउ द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, अब नए ब्रिटेन का सिंबल क्या था? द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक। जो ब्रिटिश उसका सिंबल नए ब्रिटेन का सिंबल था जो ब्रिटिश का फ्लैग था जिसका नाम यूनियन जैक था और नेशनल एंथम जो था जो गॉड सेव आवर नोबल किंग को बहुत खूब बढ़ावा दिया गया। उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, द नेशनल लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमिनेंट एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली सबऑर्डिनेट पार्टनर इन द यूनियन। और जो उनकी पुरानी नेशन जो है पुरानी नेशन इस ये जो नया संघ बना था इस संघ में एक सहयोगी के रूप में ही रह गए थे। पुराने नेशन को था वो जितने भी नेशन थे वो एक पार्टनर के रूप में थे। मीन्स ठीक है, अब यानी ये जो नया नेशन बना था इसमें सब चीज़ ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश की थी, उनका ही नेशनल फ्लैग, उनका ही नेशनल एंथम और उन्हीं की नेशनल लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, the rest part of this chapter we will discuss on next one. Thank you.